शिवपुरी शहर के गुना बाईपास पर दिन दहाड़े युवक को मारा चाकू, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। शिवपुरी शहर के गुना बाईपास पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। यहां बदौड़ी से लौट रहे एक युवक ने बाइक सवार एक व्यक्ति को अचानक चाकू से मार कर घायल कर दिया। युवक ने बताया कि अचानक हुए चाकू के हमले से वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र सेन, उम्र 28 वर्ष, निवासी आर्य समाज रोड शिवपुरी, ने बताया कि वह किसी काम से बदौड़ी गया था, जहां से लौटते समय में गुना बाईपास पर एक दुकान से गुटखा खरीद रहा था। इसी दौरान बाइक से आए विजय सिंह रावत, निवासी बड़ा गांव, ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। विजय सिंह ने किस कारण से हमला किया, फिलहाल घायल ने ये नहीं बताया है। नाम भैया आपका? मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। कहाँ रहते हो? आठवाई रोड पे। ये घटना कैसे क्या हो गया? मैं बड़ौदी से आ रहा था गुना बाईपास पे, मैं पुड़िया लेने के लिए रुका था, मेरे पीछे से बात कर दिया। किसने? विजय सिंह रावत है। किस बात को लेकर? कोई बात ही नहीं, पहचानी थी मेरी। कब की घटना? बात रात की बात है। रात की बात है। फिर उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, मेरे दोस्त यार पहुँचे मुझे अस्पताल में। कितने लोग थे वो? अकेले ही था वो। अकेले? तो कोई पुराना व्यवहार थे? तो नहीं, कोई नहीं। पर्चे तो पहले थे? दोस्त हैं, उनके साथ में रहा मैं बहुत पहले। अच्छा, तो गुना बाईपास पर किस जगह पे चक्कू मारा था? अपने पेट्रोल पंप से पहले। पेट्रोल पंप? अग्रवा पेट्रोल पंप से पहले। पहले तो आते सीधे चक्कू ही मार दिया? मैंने ये नहीं देखा चक्कू था क्या, सीधे आके वो गंजा सा मारा, अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। वो ही मोटरसाइकिल? मैं दौड़ा भी उसके पीछे, मुझे चक्कर वगैरह आ गए तो मैं। तुम अकेले थे? मैं अकेला था। रिपोर्ट दर्ज करा दी? नहीं कराई। जी, विजय सिंह रावत कहाँ के रहने वाले? बड़े गाँव के। बड़े गाँव? जिले के पास बड़ा गाँव है। तो कोई दुश्मनी नहीं है पुरानी? नहीं। कितनी उम्र होगी इनकी? अभी तक पंद्रह नहीं, मुझको कम से कम होना चाहिए 45 तो होना।